ये वीडियो मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए है जिनका सेंटर लखनऊ ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती कॉलेज में सेंटर गया है। उनका किस तरीके से कहाँ उतर के जाना है, किस तरीके से रास्ता है, कहाँ कहाँ से बस पकड़ना है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। भाइयों और बहनों, जैसे कि आप जब लखनऊ आलमबाग बस स्टेशन या चारबाग बस स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ से आपको नहरिया तक का जो है टेम्पू या बस पकड़ के आना है। वहाँ पे आने के बाद आपको फिर नहरिया से आपको दुबग्गा रोड के लिए पकड़ना है। दुबग्गा रोड से आपको फिर दुबग्गा रोड से आपके लिए डायरेक्ट वहाँ पे मोहिद्दीन ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती कॉलेज के वहाँ तक रास्ता जाएगा, जो कि मैजिक हो गया, बस हो गया, सब कुछ आते जाते हैं। और बात करते हैं वहाँ तक का किराया कितना आता है। किराया वहाँ से आपको करीब 150,000 रुपये तक आ जाता है। और यहाँ देखेंगे हमारे जो बेरोज़गार युवा हैं किस तरीके से यहाँ पे भीड़ दिखाई पड़ रही है, आप देख ही सकते हैं। ये कॉलेज का मेन गेट है, मेन गेट यहाँ पे एंट्री की जाएगी। और फिर अभी हम आपको दिखाएंगे चल के किस तरीके से यहाँ पे जो लगातार भीड़ बढ़ती हुई जा रही है और यहाँ पे इस कदर भीड़ है यहाँ पे सांस लेने की जगह नहीं है। विद्यार्थी आ रहे हैं जा रहे हैं और लगातार धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ती चली जा रही है। ये सुबह का टाइम है, ये जो मेन गेट से रोड आता है कॉलेज के अंदर एंट्री करने का वो छोर है। और हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से छात्र छात्राएं सब लोग आते जा रहे हैं। और भाई और बहनों, हम देखते हैं कि टेम्पो और बस वाले से थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि किसी किसी भाई को जिनको जानते हैं कि अनजान शहर में आए उनसे वो ज़्यादा पैसे भी ले लेते हैं, तो इस में आप सतर्क रहिएगा। जैसे कि अगर आप नहरिया से जो है दुबग्गा के लिए पकड़ेंगे, वहाँ तक दुबग्गा तक जो है 20 रुपये लेते हैं एक लोगों का किराया, और दुबग्गा से जो है ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती कॉलेज तक का 20 रुपये किराया है। और उसके पहले आलमबाग बस अड्डे से लेके नहरिया तक का 20 रुपये किराया है। इस हिसाब से आपको सतर्क रहना है और कितने किराए कहाँ कहाँ देना है सबको एकदम अच्छे तरीके से देख लेना है। और यहाँ पे देखेंगे विद्यार्थी लोग वो बैठे हुए हैं जो जिनका पेपर सेकंड मीटिंग में है, पेड़ के छांव में झाड़ियों में हर जगह बैठे हुए हैं, अपना जो बैठने के लिए कंबल हो गया या यहाँ से पॉलीथीन खरीद के उसी पे लेटे हुए हैं, क्योंकि टाइम पास कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ आएँ, अगर ना देखे होंगे तो हमारे बताए हुए रास्ते से किस तरीके से आना है यहाँ से आ जा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग भी यहाँ झाड़ियों में बैठे हुए हैं, क्या किया जाए, और कहीं पे बैठने का स्थान है, धूप इतना ज़्यादा गर्मी है, गर्मी के मारे यहाँ पे हालत ख़राब है। और फिर अभी कुछ टाइम में आप देखेंगे कि बस छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी होने के बाद ये देखिए छुट्टी हो गई है, छुट्टी हो गई, देखेंगे सारे स्टूडेंट सारे विद्यार्थी अपना अपना पेपर दे के निकल रहे हैं और भीड़ इस कदर है, देखिए अगली बार क्या होता है। पिछली बार तो पेपर तो लीक हो गया था, अगली बार देखा जाए क्या होता है। ये मेन गेट है जहाँ से यहाँ से करीब आपको 500 मीटर अंदर जाना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी।